तो अभी हम बात कर रहे हैं फील्ड कैलकुलेशन में, फील्ड कैलकुलेशन की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्वांटिटी है और एमआरपी है, मेरे पास यहाँ पे अमाउंट नहीं है। मतलब कि यहाँ जो 84 जो है वो 20 रुपीज पर पीस के हिसाब से है। अब इसमें हमने पिवट लगाया और पिवट लगाने के बाद हमने मान लीजिए कि नेम वाइज हमने क्वांटिटी का टोटल और एमआरपी का एवरेज निकाल लिया, बट यहाँ पे अमाउंट नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अमाउंट निकले। तो अमाउंट के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक पहला रास्ता है कि हम यहाँ डेटा में जाएं, नया कॉलम ऐड करें और इसको हम मल्टीप्लाई करके फिर पिवट में इसको कंसीडर कर लें, जो कि गलत है, हम नहीं करना चाहते। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते कि ये मेरा डेटा है लिंक टू अनदर डेटाबेस, और अनदर डेटाबेस में इसकी मल्टीप्लीकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बार बार मुझे अपने डेटा को चेंज करना पड़ेगा, डेटा को बार बार उसको डेटा को ठीक ठाक करना पड़ेगा, जो कि हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऑटोमेशन में। सो हम चाहते हैं कि ये जो कैलकुलेशन पिवट के अंदर ही हो जाए। ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आपको जाना होगा पिवट टेबल एनालिसिस में, सॉरी एनालाइज टैब में, और यहाँ आपको दिखेगा फिल आइटम सेट, फिल आइटम सेट, इस पे जाएं और यहाँ आप करें कैलकुलेटेड फील्ड, और कैलकुलेटेड फील्ड में मैंने यहाँ पे डाल दिया टोटल, और इस टोटल को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। हमने क्या किया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, देन ऐड किया एंड देन ओके करूंगा, तो मल्टीप्लाई होके आ गया। मुझे मान लीजिए इस पे जीएसटी निकालना है, तो कैलकुलेटेड फील्ड पे जाऊंगा, यहाँ जीएसटी, और हमने क्या किया, जो नीचे टोटल ऐड किया था इस टोटल को लिया मल्टीप्लाई बाय 18%। अब यहां पे 18% का सिंबल नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक हाँ दे सकते हैं, ठीक है, इसी में टोटल भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और भी होता है, मान लीजिए मुझे इसमें इफ का फॉर्मूला, मतलब कि एक्सेल के इनबिल्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए मुझे इंसेंटिव देना है, और इंसेंटिव का रूल एक आता है कि जो 2500 से ऊपर का सेल किया है उसको उसको हम जो है 10,000 इंसेंटिव देंगे, अदरवाइज 5,000 इंसेंटिव देंगे, राइट। तो कैलकुलेटेड फील्ड में हम गए, यहाँ पे INC नाम का फील्ड बनाया। अब यहाँ पे फील्ड का नाम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे कंडीशन दे कि इफ, इफ के अंदर हमने यहाँ पे लिया अपना क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी कि अगर ग्रेटर देन 2500 हुआ तो 10,000, अदरवाइज 10,000, अदरवाइज 5,000, क्लोज किया एंड ऐड किया, देन ओके आगे। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, राइट सर? डाउट इसमें नहीं, ठीक है।